गोवा 365 कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारांत. म्हारगाय वाडल्या, अर्थवेवस्था कोसळ्ळ्या देखून परतून भाजपा येवप कठीण अशें लोक म्हणली. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या डब्बल इंजीन सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट आनी ह्युमन डॅवलॉपमेंट वर्क आनी केंद्राच्यो येवजण्यो गोंयच्या लोकां मेरेन वेवस्थीत पावयल्यो. देखून आत्मनिर्भर भारत आनी अत्योदय सारकेल्यो येवजण्यो लोकां मेरेन व्हेल्ल्यान यश मेळ्ळें, आदलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. 10 मार्चाक जाल्ले मतमोजणेंत भाजपाक गोंयांत 20 जागे, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे युतीक 12 सिटां, मगोपाक 2 जागे, आपाक 2, आरजीक 1 आनी 3 अपक्ष वेंचून येयल्यात. 22 परस अदीक उमेदवार दिवपाचो यत्न आसलो, पूण 3 अपक्ष मोगोपाचे जैतिवंतांनी समर्थन दिल्ल्यान सरकार घडोवपाक आमी मेकळे आसात, आदलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. भाजपाची वोटिंग शेअरूय वाढिल्ल्याचेंय ताणें सांगलें. हमारी कोशिश तो थी 22+ देने की, 22+ सीट हम 3 सीट विथ शॉर्ट मार्जिन में, यानी शिवोलिम सीट, मांद्रेम सीट और एक सांताक्रूज सीट, 3 सीट सांतांद्रे सीट 77 वोटर से हार गए, नहीं तो हमें 22 में 22+ ही मिलते थे. इसकी पूरी क्रेडिट मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ. सही में उन्हीं के लीडरशिप के अंडर हम इलेक्शन को गए थे. इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह और बाकी पार्टी के सभी नेशनल लीडर्स यहाँ जितने आके गए, उन सभी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ. खास करके हमारे कंटिन्यूस इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे रह के, जैसे कि जी किशन, सिटी रवि, दर्शना जरदोश मैडम कंटिन्यूसली 2-3 महीने से फॉलोअप कर रहे थे. उन्होंने लोगों को अने हमें पूरे मार्गदर्शन किया, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ. सही में हमने 10 साल के बाद, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर से लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार आना मुश्किल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास था, मुझे था, हमारे संगठन के पूरे टीम को था कि गोवा की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जुता के देगी. जैसे कि माननीय मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंत्योदय तत्व पर करने वाला काम, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, द लास्ट पर्सन तक लेने की कोशिश, माननीय मोदी जी का मिशन आत्मनिर्भर भारत विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा, उसमें कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाया. इवन दो द वोटिंग परसेंटेज शेयर हमारा बड़ा है, हमारा लास्ट टाइम वी हैव द वोटिंग परसेंटेज शेयर ऑफ द 32%, इस बार 34.3% वोटिंग शेयर पार्टी का बड़ा है, तो पार्टी की बेस गोवा में और भी बढ़ रही है. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आज पैसे मोडिनासताना फकत प्रामाणिकपणाच्या बळग्यार सामान्य मनीस, एक आम आदमी वेचून येऊ येता हे आपण दाखवून दिले. चळवळीचो अनुभव आशिल्ल्या अरविंद केजरीवालान आमकांय बळगे दिला. आम आदमी पक्षाचे दोन्ही आमदार विरोधात बसूनही गोयचो आवाज जावन रावतले, आपाच्या जैतिवंतांनी गोयकारांक उतर दिला. निकतेच जाल्ले विधानसभा वेचणुकेंत भाजपान चड सिटां हाडल्या आसली तरी आम आदमी पार्टीन आपले खाते उगडला. बाणावले आपाचे वेन्झी वेगस आनी वेळी क्रूस सिल्वा वेचून आयल्यात. ह्या दोगांचेय आवाज गोयच्या विधानसभेत गाजतले. आपाची फुडारी अतिशीन विस्वास उक्तायला. पक्षाक बळगे आयल्याच, पूण आमी गोयचो आवाज जावन रावतले, असो हावेस आपाच्या जैतिवंतांनी उक्तायला. आयकात वेन्झी, अतिशीक आणि क्रूजाक. गोवा में पहली बार एक ऐसी पार्टी जो नई पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी जो मनी पावर, मसल पावर, कास्ट, रिलिजन, इस तरह की राजनीति करे बिना आज आम आदमी पार्टी ने गोवा में असेंबली में 2 सीटें जीती हैं. आज आम आदमी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स चुन के आए हैं, हमारे वेलियम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंजीनियर क्रूज सिल्वा, बेनोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैप्टन वेन्झी वेगस. जो 2 विधायक आज आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा में भेजे हैं, ये बिल्कुल आम आदमी है. ये ना किसी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, ना इनके फादर, ना इनके ग्रैंडफादर, ना बीजेपी में, ना कांग्रेस में, ना MLA, ना मंत्री, ना MP. ये किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते, ना ही ये कोई बहुत
वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आते हैं कि इनकी करोड़ों की दौलत है और उस पैसे को यूज करके पॉलिटिक्स में आए हैं, आम लोग हैं। क्रूज सिल्वा एक इंजीनियर रहे हैं, अपनी सिविल इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग्स बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। वेंजी वेगास एक सी फेरर रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, सी फेरर्स के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, अपने इलाके के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। आज गोवा के लोगों ने ऐसे दो आम आदमी को गोवा विधानसभा में भेजा है और मुझे लगता है कि गोवा के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक नई पार्टी और दो ऐसे लोग जिनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई मनी पावर, कोई मसल पावर नहीं है, आज आम आदमी गोवा की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और चाहे ये सिर्फ दो हों और बेनोली और वेली विधानसभा की से चुन के आए हैं, लेकिन ये दोनों लोग पूरे गोवा की आवाज़ हैं। ये गोवा के आम आदमी की आवाज़ हैं जो गोवा की विधानसभा में आज गूंजेगी। आज ये 10 तारीख मार्चाची गोयचे हिस्ट्रीन आज उगड़ा सुतली, क्या बणाली लोक जो पोलो ZP पी निवड़ हाड़ो आनी कहींच कोरी नास्तना, करप्शन नास्तना, कहींच वाट नासना ZP निवड़ हाड़ो। तेज भाषेन आज बणाले परत एक चांस लोकानी आज दिला आनी वो चांस लोकानी दिला आनी दाखों की आज इलेक्शन्स मुट्टाय ती पैसे नास्तना एक सामान्य मनीस, एक आम आदमी जिगोयन हाड़पाक जाता। पॉलिटिकल बॅकग्राउंड आम कांयच नाल्ले, सुमार 6-7 वर्ष जाली पार्टी भारत आमी वॉलंटियर म्हणून काम करीत आहे, हांवूय काम करतालो, क्रुजूय काम करतालो, नो पॉलिटिकल बॅकग्राउंड, बोटीर तारवार आसतालो। आनी तारवार सोन जेन्ना हांवें इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट पयलो आनी अरविंद केजरीवाला गेलो, हो जो झूज आहा ते झुजाचेर फॅसिनेट जावन हांवूच न्हू, आमचे सगळे जे आज कार्यकर्ता आहा, वॉलंटियर आहा, ते सगळे आज मुखार सरले। आनी टुडे इज अ विक्टोरियस डे, आज वो आमी वो फ्लॅग असेंब्लीन घातला आनी वो फ्लॅग जावन आसा स्टार्ट करपाक, हो आवाज जावन आसतलो गोंयकारांचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक बणालकाराचो, हो आवाज जावन आसतलो प्रत्येक वेळेकाराचो। आनी जे गोंयकारांचे इश्यू आहा ते गोंयकारांचे इश्यू गोंयकारांक राखपाक पासत म्हाका दिसता आज आम आदमी पार्टी मुखार आसतली आनी आमी दोगोय मुखार आसतले आनी गोंयकारांक ज्यो वस्त्यो जायो ज्यो वस्त्यो नाका तेका आमी वॉयस आउट करपाक पयले आसतले। हांवूय म्हणजे पॉलिटिकल फॅमिलींतलो आयलो ना, हांव फकत पंचायतांक आयलो, जेन्ना आमच्या गांवांत कितें वायट जाता तेन्ना हांव पंचायतांक आयलो, सो ते 2 टर्म हांव केल्लो आनी भायर सरलो। फक्त हांव असेंब्लीक फाटल्या इलेक्शनाक बसलेलो कित्याक आमच्या गोंयांत कितें वायट जाता म्हणून, आनी जेन्ना आम आदमीन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली कितें बरें करपाक, सो हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें। सो लास्ट टायम हांव पिड्ड्यार जाल्लो, पूण तरी आसतना आम आदमीन म्हाका एक सेकेंड चान्स दिलो, म्हजे फेथ दवरलो, सो हे पावटी हांव जिखलो। सो हांव सांगूंक सोदतां वेंजीबर की आमी आवाज जातले आमचे गांवचे, गांवच्या पासत जें कितें वायट घडटा, गोंयचें कितें वायट घडटा सगळे गोंयकारांचो आमी आवाज आसतले। सो हांव मागता आमचे सगळे लोकां लागून आमी सगळे एकठांय जावन आमची वेल्डी कॉन्स्टिट्युएंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्युएंसी करया। आपान खाते उक्ते केले, पूण मुख्यमंत्री पदाचो चेहरो म्हण जाका प्रोजेक्ट केल्लो तो एडवोकेट अमित पालयेकार मात जैत जोडपाक शकलो ना, पूण दिल्ली आनी पंजाबात जसो इतिहास घडयला तशी आम आदमी पार्टी गोंयांतय घडयतली अशी मोख मात ताणें उक्तायली, पळयात। जशें मॅडमीन सांगलें, दोन एक इतिहास जाला आनी आमचो दोन यंग फेसीस, स्मार्ट इंटेलिजंट फेसीस असेंब्लीन भितर सरता, जायंट किलर वेंजी आनी जायंट किलर म्हणपाचें म्हळ्यार तुमी खुबदां आयकलें आसतलें ताच्या ओपोनंटान ताका एक दीस म्हळ्यार आ तो बच्चा म्हणिल्लो ताका, आज तो बच्चा इज टेकन द बेबी स्टेप्स एंड ही इज एंटर्ड असेंब्ली एंड इज गोन टू बी वॉयस ऑफ गोवा। आम आदमी पार्टी करप्शन फायट करपाक आनी एक ऑनेस्ट उमेदवार आमी दिल्ले तशें ते निवडून आयल्या, वी वील स्टीक बाय दॅट प्रिंसिपल एंड वील बिकम द वॉयस ऑफ पीपल ऑफ गोवा एंड वील oppose and bring to fore every illegality of this government which is going to be formed in next 1 or 2 days whatever that is there, but I think the people's faith jo lokani vishwas jo la aam aadmi party che ya election
जरी आमचे दोन निवडून आले पण ते बेबी स्टेप्स आज जसे म्हणतात तसे आम्ही असेंब्लीन वतले आणि गोयचो फुडार म्हाका खबर असा की जसे पंजाबान घडला दिल्लीन घडले तसे फुडे गोयांनी घडतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आकडो 4194 झाला. फाटल्या 24 वरांत 255 मरणांची नोंद झाल्या. गोंयात 24 वरांत कोरोनाचे 12 नवे दुयेंती सापडल्यात. 1,00,000 मरण आयला. भारतात फाटल्या 24 वरांत 4194 नव्या दुयेंतींची नोंद झाल्या. कोरोनाक लागून 255 जाणांक मरण आयला. भारतात 98.60% दुयेंती बरे झाल्यात जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.52% झाला. फाटल्या 24 वरांत 4194 नवे दुयेंती. 24 वरांत 255 मरणांची नोंद. भारतात 98.60% दुयेंती दुयेंस मुक्त. गोंयातय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कमी जाला. काल राज्यांत 12 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात जाल्यार 1,00,000 मरण आयलां. कोरोनाची स्थिती आतां बरीच नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. गोंयांत 12 नवे दुयेंती, 1,00,000 मरण, 24 दुयेंती बरे जाल्यात. 1,123 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 98.39% दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. विकास आनी राष्ट्रवादा बरोबर आमी आसात असो संदेश फकत गोंयानूच न्हय हेर राज्यांतल्या निकालांनी दिला. भाजप आतां वेगान धांवपाक लागला. 5 राज्यांतल्या वेंचणुका पैकी 4 राज्यांनी लोकांनी आशिर्वाद दिला. गोंयांत जाल्यार हे खेपे भाजपान केल्लो रिकॉर्ड ब्रेक अशें सरचिटणीस सिटी रवीन सांगले. पत्रकार परिशद घेवन भाजपान सरकार स्थापनेचो दावो केलो. पत्रकार परिशदेक आदले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक, वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, सहप्रभारी किशन रेड्डी, नरेंद्र सावयकार, दामू नायक हजर आसले. फाटले परस हे खेपे गोंयकारांनी भाजपा बळिश्ट करपाचो यत्न केला. विकास आनी राष्ट्रवादाच्या तत्वांचेर पक्ष फुडें वचत आसा. सिटी रवीन सांगले. गोंयचो पक्षाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेनय जैताचो निराळ घेतलो. हम रेकॉर्ड ब्रेक करणे का मौका मिला. अभी तक गोवा पॉलिटिकल हिस्ट्री में तीसरे बार कोई पार्टी सत्ता में नहीं थे. गोवा जनता बीजेपी के ऊपर भरोसा रख करके विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का विचार मजबूत होना, हम लोग विकास के साथ है, हम लोग राष्ट्रवाद के साथ है, वो मैसेज दिया है. केवल गोवा में नहीं, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चारों प्रांतों में जनता आशीर्वाद दिया है सभी को. और एक बार धन्यवाद करके मेरा बात समाप्त करूंगा. हम कब मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ता है उस दिन हमारा ताकत कितना है फ्लोर में भी दिखाई देंगे. आज जो इलेक्शन में दिखाई है वो फ्लोर में भी हम दिखाई देंगे, ये पक्का है. अभी 20+5 है. कब फ्लोर में हम लोग दिखाई देगा उस दिन और ज़्यादा सीट भी हमारा साथ आने का संभव है. कौन कौन गोवा विकास के बारे में चिंतित होता है और स्थिर सरकार और राष्ट्रवाद के विचार के साथ आना चाहता है सभी को हम साथ लेकर के जाएंगे. आमच्या बरोबर 20 आमदार आमचे निवडून आयले असतात. पण हाच्या बरोबर आमका MGP'n आपले लेटर दिल्ले असा की त्यांच्यानी समर्थन करता असे लेटर दिल्ले असा. 3 जे अपक्ष उमेदवार असतात, बिचोलीचे डॉक्टर शेटी असत, कुर्तोरीचे रिजिनाल्ड असत आणि कुठ्ठाळीचे अँथनी वाच, यांच्यानी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करपाक समर्थन दिल्ले असा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फुडल्या 3 दिसांक चडात तापमान 2 degrees वाढ जावं येता. आयज कांय वाठारांनी पावस चिरचिरतलो जो फुडले 2-3 दीस उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. पावसा वांगडा जोगला आनी 40 kilometers वेगान वारें वाडतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयच्या चडावत आनी उणें तापमान 34-24 degrees Celsius उरतले.
आणि आयचे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविड आणि त्याच्या नव्या वेरियंटच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आणि सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.